और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का एक बड़ा बयान नुपुर शर्मा को लेकर आया है। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, अपने बयान को लेकर पार्टी से निष्कासित कर दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अब उनका बचाव किया है। उमा भारती ने न्यूज स्टेट से चर्चा में कहा कि नुपुर ने जो बोला वो गलत था, लेकिन उसके खिलाफ जिस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है वो भी गलत है। वहीं इसको लेकर हमारे संवाददाता नितेंद्र शर्मा ने उमा भारती से खास बातचीत की, आप सुनिए। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को उनकी एक टिप्पणी के बाद कई धमकियां मिलने लगी हैं। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आई, उन्हीं से पूछते हैं, नुपुर शर्मा को कई धमकियां मिल रही हैं, आप जो है वो क्या मानती हैं इसे? पार्टी ने अपनी कार्यवाही की उचित की बिल्कुल, क्योंकि पार्टी का प्रवक्ता का ये नियम है कि वो पार्टी की नीति से बाहर जाके बयान नहीं दे सकता टीवी पर। उनने दिया जो पार्टी की नीति नहीं है। दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना, उनका उपहास करना, ये ठीक नहीं था। लेकिन उसके बाद जो उस पर संकट आया उसके जीवन पे, वो जो 1 करोड़ के इनाम और सिर काट के ले आओ, मैं अभी फ़ोटो देख रही हूँ कि जूतों से उसके फ़ोटो को रौंदा जा रहा है। ये सब की निंदा हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों को करनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में किसी एक महिला का इस प्रकार से अपमान, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये क्यों हो रहा है, लेकिन इसका क्या कारण है कि इस तरह की घटनाएं, उनका भी, नुपुर शर्मा का भी जो बयान आया है और भी लोगों के जो बयान आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा पहले तो नहीं होता था। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आया तो सबके मन में एक भय आया, और मैं इसमें किसी भी राजनीतिक दल को अलग नहीं करूँगी, भय ये आया कि हम ये चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं। और उसके कारण जाति और धर्म के नाम पर नफरत, आग उगलना, अपशब्द बोलना, नीचा दिखाना, मोदी जी के बारे में भी इतना खराब बोला गया, उस सबका दुष्परिणाम जो आया कि एक जहर सा फैल गया सब तरफ, और उसमें ही धीरे धीरे बात बढ़ती गई है, यहाँ तक कि प्रवक्ता उत्तेजित हो गए और मर्यादाएं भूल गए। इस्लामिक कंट्रीज, लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान के बारे में, क्योंकि कई दिन से जो है वो ये कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान जो है वो विश्वगुरु बनने की तरफ है, और इस्लामिक कंट्रीज, और लेकिन जिस तरह की चीज़ें इस्लामिक कंट्रीज से हो रही हैं, उससे क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान डिफेंस में आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब ठीक से समझ जाएगा। मैं उस विषय पर बोल नहीं सकती क्योंकि वो विदेश विभाग का काम है, मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मैं एक बात जानती हूँ, मोदी जी ने हमेशा बिगड़ी हुई बात बनाई है। भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मेरी जिम्मेवारी है कि मैं बात को इतना ना बिगाड़ूं कि वो बना ना सकें, ये मेरी जिम्मेवारी है, और मेरा मतलब हम लाखों कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी, उसका हम ध्यान रखेंगे। भाजपा के प्रवक्ताओं को भी हिदायत दी गई है कि आप इस तरह का कोई बयान ना दें, धर्म पर कोई टिप्पणी ना करें, तो इसका क्या मंतव्य क्या निकालें, क्योंकि पहले तो कई लोग कई तरह के बयान देते थे और कोई बात नहीं आती थी। सब प्रवक्ता एक मर्यादा में बोलते थे। अब मैंने आपको कहा ना, यूपी के चुनाव की एक ऐसी लू चली है, लपट जिसको बोलते हैं ना, गर्म हवा चली है, कि वो उस पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है इस हादसे के बाद हो जाएगा। यूपी चुनाव मतलब ऐसा क्या था, क्योंकि कई चुनाव हुए लेकिन यूपी चुनाव में ऐसा क्या था कि ये लपट चली? क्योंकि सब अपने अस्तित्व के सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे वहाँ पे। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका उत्तर प्रदेश उसका सारा देश। इस भय के मारे सारे लोग, क्योंकि इसके बाद अखिलेश खत्म हो गए, इसके बाद कांग्रेस खत्म हो गई, इसके बाद बसपा खत्म हो गई, तो जो अस्तित्व की लड़ाई हुई है उसमें सब जिस तरह से शामिल हुए हैं नफरत को फैलाने में, वो बुझानी पड़ेगी, मोदी जी बुझा लेंगे। क्या आपको लगता है कि नुपुर शर्मा के साथ खड़े होना चाहिए अब इस समय देश को? मैं इस सब पे कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक महिला है और हमारी सरकार महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए सजग रहती है। बस मैं ये चाहती हूँ कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग जो हैं वो इस बारे में निंदा करें कि उसके फ़ोटो को पाँव से रौंदना ठीक नहीं, जूतों से उसके सिर पर इनाम घोषित करना ठीक नहीं है। पार्टी पर्याप्त सजा दे चुकी। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का साफ कहना है कि नुपुर शर्मा ने जो बोला वो गलत था, लेकिन उनके खिलाफ जिस तरीके से बोला जा रहा है वो भी गलत है, और यूपी से जो आग शुरू हुई उसको धीरे धीरे करके देश में समाप्त करना होगा, तभी सब कुछ ठीक होगा। वीडियो सिमांजू के साथ नितेंद्र शर्मा, और हमारे सहयोगी नितेंद्र शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितेंद्र, उमा भारती के इस बयान के क्या कुछ मायने निकाले जाएं, क्योंकि एक तरफ नुपुर शर्मा से तमाम लोग किनारा कर रहे थे लेकिन वो कुछ हद तक उनके समर्थन में खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, उमा भारती की यही खास अंदाज है राजनीति करने का कि जब जिसका साथ सब लोग छोड़ देते हैं वो उसके साथ खड़ी हो जाती है, तो अभी भी उन्होंने वही करा कि जब भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेता जो है वो नुपुर शर्मा से किनारा कर रहे हैं, तब उमा भारती उनके साथ खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जो कार्रवाई भाजपा ने की है वो कार्रवाई पर्याप्त है, और इसीलिए अब अगर उनको धमकियां मिल रही हैं या उनके खिलाफ जिस तरीके से उनका फोटो जो है वो जूते से रौंदा जा रहा है, ऐसी सब घटनाओं को लेकर हिंदू और मुसलमानों दोनों को इसकी निंदा करना चाहिए, और नुपुर शर्मा के साथ जो है वो उमा भारती इस मामले में खड़ी नजर आई है कि नुपुर शर्मा ने जो किया वो गलत है, लेकिन नुपुर शर्मा के साथ जो हो रहा है वो भी गलत है।
शुक्रिया नितेंद्र आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो उमा भारती का ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह की चीजें नुपुर शर्मा के खिलाफ हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। वो एक महिला भी हैं, उनका पूरा सम्मान होना चाहिए और सभी को इसके खिलाफ बोलना भी चाहिए।